Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Rudhi Agrawal and I am here with the next part of P Block Elements. तो आज के पार्ट में हम ग्रुप 16 के जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, जैसा कि हमने ग्रुप 15 के लिए किया था. ठीक है, सो आज हम वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जनरल ट्रेंड्स जो हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो गाइज, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है तो आप उसे एक ऐप के थ्रू इंस्टेंटली सॉल्व कर सकते हो, जिसका नाम है डाउटनट. उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उस ऐप को यूज़ कैसे करना है उसको मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा समझा देती हूँ. कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं. साथ ही यहां कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे. इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप IIT JEE और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव. सो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट. सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से. तो पहले हम ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. अब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो हमारे इतने सारे एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 16 में. इनको हम कभी कभी ग्रुप ऑफ चालकोजेंस भी बोलते हैं. ये नेम जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जो कि जिसका मतलब होता है ब्रास. और ये क्या बताता है कि सल्फर और उसके जो कॉन्जनर्स हैं उनका कॉपर के साथ क्या कनेक्शन है. अब जितने भी हमारे कॉपर मिनरल्स होते हैं उनमें या तो ऑक्सीजन होता है या सल्फर होता है, और फ्रीक्वेंटली जो बाकी मेंबर्स होते हैं ग्रुप के वो भी आ जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके अकरेंस के बारे में. सो हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट है जितने भी एलिमेंट्स हैं अर्थ पे. उनमें ऑक्सीजन जो है वो हमारे अर्थ क्रस्ट का 46.6% मास जो है बनाती है, और जो हमारी ड्राई एयर होती है उसमें भी 20.946% ऑक्सीजन रहती है बाय वॉल्यूम अगर हम कैलकुलेट करें तो. लेकिन जो सल्फर का अबंडेंस है हमारी अर्थ क्रस्ट में वो बहुत कम है, सिर्फ 0.03 से 0.1% सल्फर ही मिलता है. कंबाइंड सल्फर जो है वो प्राइमरीली सल्फेट और सल्फाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सल्फेट्स कैसे, जैसे जिप्सम हो गया जिसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, इप्सम सॉल्ट हो गया जिसका फॉर्मूला है MgSO4.7H2O, और बेराइट हो गया जिसका फॉर्मूला है BaSO4. इसी की तरह सल्फाइड्स जैसे कि गैलेना जो PbS होती है, जिंक ब्लेंड जो ZnS होती है, और कॉपर पायराइज जो कि CuFeS2 होती है, इस फॉर्म में हमें कॉपर जो है वो ज़्यादा मिलता है. नाउ ट्रेसेस ऑफ सल्फर अकर एज हाइड्रोजन सल्फाइड इन वॉल्केनोज. अब सल्फर जो है उसके कुछ ट्रेसेस भी मिलते हैं हमें वॉल्केनोज में, जो हमारा ज्वालामुखी होता है उसमें, किसकी फॉर्म में, हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में. कुछ ऑर्गेनिक मटीरियल्स भी होते हैं हमारे, जैसे एग्स, प्रोटीन्स, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड, हेयर, वूल, इन सब में भी सल्फर होता है. तो जब आप लोग प्याज काटते हो तो आप लोगों को आंसू आते हैं, वो आंसू सल्फर की वजह से ही आते हैं. अब जो सेलेनियम और टेलूरियम है, दे आर ऑल्सो फाउंड एज मेटल सेलेनाइड्स एंड टेलूराइड्स इन सल्फाइड ओर्स. तो सेलेनियम और टेलूरियम जो है वो मेटल सेलेनाइड्स और टेलूराइड्स की तरह मिलती है हमें सल्फाइड ओर्स में. पोलोनियम जो है वो नेचर में डीके प्रोडक्ट की तरह मिलता है हमें थोरियम और यूरेनियम मिनरल्स का. फिर जो हमारा लास्ट एलिमेंट आता है लिवरमोरियम, ये एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसा कि हमारा ग्रुप 15 में मॉस्कोवियम था. इसका सिंबल है LV, एटॉमिक नंबर है 116, एटॉमिक मास है 292, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है रेडॉन का प्लस 5F14, 6D10, 7S2, 7P4. ये जो है बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस किया जा सकता है और इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शन, 1 सेकंड की भी हाफ लाइफ नहीं है इसकी, ये मान के चलो. इसकी वजह से जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो हम अच्छी तरीके से स्टडी नहीं कर पाते हैं. क्लियर हो गया. अब चलते हैं इन एलिमेंट्स के नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तो ग्रुप 16 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो है NS2NP4. एटॉमिक और आयनिक रेडाई की अगर हम बात करें तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए एटॉमिक और आयनिक रेडाई जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ती जाएगी. हाउएवर जो साइज होता है ऑक्सीजन एटम का वो एक्सेप्शनली स्मॉल होता है. इसका रीजन क्या है वो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ग्रुप में डिक्रीज होती जाएगी. क्यों, क्योंकि साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं इस ग्रुप के
उनकी अगर हम ग्रुप 15 वालों के साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करें तो वो कम होती है, यानी कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी से कम है। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं उनमें एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। पढ़ा था हमने ग्रुप 15 में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए वो स्टेबल रहता है, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्योंकि ऑक्सीजन एटम जो है उसका कॉम्पैक्ट नेचर है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कम नेगेटिव होती है। लेकिन अगर हम सल्फर से लेके आगे जाएंगे तो वापस जो हमारी वैल्यू है वो पोलोनियम तक जाते जाते कम हो जाएगी, मतलब कि सबसे ज्यादा सल्फर की ही दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही वो एलिमेंट है जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है, तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आता है। फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही। अब ग्रुप में क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती जाती है। इसका क्या मतलब है कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम ऑक्सीजन से नीचे जाएंगे पोलोनियम की तरफ। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। अब चलते हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी, ऑक्सीजन से पोलोनियम पे जाएंगे तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इसका मतलब ऊपर वाले एलिमेंट्स हमारे नॉन मेटल हुए, तो ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल हुए, सेलेनियम और टेलूरियम जो है वो मेटलॉइड्स हैं और पोलोनियम जो है वो मेटल है। पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसके वो भी शॉर्ट लिव रहता है, उसकी हाफ लाइफ 13.8 डेज की ही है। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो सब एलोट्रॉपी एग्जिबिट करते हैं, जैसा उसमें हमारा नाइट्रोजन नहीं कर रहा था 15 वाले में, लेकिन इसमें सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉपी दिखाते हैं। अब जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ वैसे वैसे वो दोनों प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ती जाएंगी। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, देर इज़ अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। अब जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का है और जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सल्फर का है उसमें हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, तो इस चीज़ को हम उनकी एटॉमिसिटी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है जबकि जो सल्फर है वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है, यानी कि S8 की तरह। ठीक है, क्लियर हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब चलते हैं हमारे मेजर पार्ट पे आज के लेक्चर के, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले वही जैसा हमने 15th वाले में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ट्रेंड्स पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटी में। अब जो एलिमेंट्स है ग्रुप 16 के उनमें बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, जो स्टेबिलिटी रहती है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो जब हम नीचे जाते जाते हैं तो वो कम होती जाती है। पोलोनियम जो है वो बहुत हार्डली शो करता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं तो ऑलमोस्ट ये समझो कि वो शो नहीं ही करता है। अब हमने जैसा कि पढ़ा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई है, इसीलिए ये सिर्फ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है -2 की, एक्सेप्ट एक केस के OF2 जहाँ पे ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देन बाकी एलिमेंट्स जो है ग्रुप के वो +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लेकिन +4 और +6 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब जो हमारे सल्फर सेलेनियम और टेलूरियम है वो यूजुअली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं अपने कंपाउंड्स में, अगर वो ऑक्सीजन के साथ वो वाले कंपाउंड्स बना रहे तो, और अगर वो फ्लोरीन के साथ बना रहे हैं तो वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अब जो स्टेबिलिटी होती है हमारे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो भी नीचे जाने पर कम होती जाती है और +4 की बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है। अब जो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो बॉन्डिंग होती है वो प्राइमरली कोवेलेंट ही होती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे ऑक्सीजन के एनोमलस बिहेवियर पे। नाउ द एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन लाइक अदर मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट इन सेकंड पीरियड इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका एनोमलस बिहेवियर भी इसी वजह से है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और इसका साइज बहुत छोटा है। वन टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ इफेक्ट्स ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O विच इज नॉट फाउंड इन H2S। तो इसका जो स्मॉल साइज है और इसकी जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है H2O में, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें H2S में नहीं मिलती। अब ऑक्सीजन में क्योंकि डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है इसलिए इसकी कोवेलेंसी सिर्फ 4 तक ही है, लेकिन प्रैक्टिस में ये कोवेलेंसी 2 से ऊपर नहीं जाती है।
दूसरी तरफ अगर हम बाकी एलिमेंट्स देखें ग्रुप के, तो उनकी वैलेंस शेल जो है वो एक्सपेंड हो सकती है और उनकी कोवेलेंस जो है वो 4 से ऊपर जा सकती है। जैसा हमारा नाइट्रोजन का केस था, कुछ उसी तरीका का हमारा ऑक्सीजन का केस है। अब हम तीन रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन। तो पहला है रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 के, वो हाइड्राइड्स बनाते हैं। किस टाइप की? H2E की। E की जगह हम O भी लगा सकते हैं, SB, SE, TE, PO सारे एलिमेंट्स लगा सकते हैं। अब जैसे जैसे हम H2O से H2TE तक जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर जो है इन हाइड्राइड्स का वो बढ़ता जाएगा। अब इनका जो इंक्रीज हो रहा है एसिडिक कैरेक्टर, उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द डिसोसिएशन ऑफ HE बॉन्ड डाउन द ग्रुप। क्योंकि जो HE बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो कम होती जा रही है जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, इसलिए इनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। Now, owing to the decrease in enthalpy for the dissociation of HE bond down the group, the thermal stability of hydrides also increases from H2O to H2PO. अब यह है कि enthalpy जो है वो decrease हो रही है dissociation की जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो thermal stability है hydrides की वो भी कम होती जाएगी जैसे जैसे हम H2O से H2PO तक जाएंगे। और जितनी भी हाइड्राइड्स हैं एक्सेप्ट वाटर, यानी कि एक्सेप्ट H2O, इन सब में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। और ये कैरेक्टर जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का, ये H2S से H2TE में जब हम जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। यानी कि H2S का सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा H2SE का है, फिर H2TE का है, इस तरीके से। लेकिन वाटर में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। अब चलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे, जो कि है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, वो ऑक्साइड्स बनाते हैं EO2 और EO3 टाइप की, जहाँ पे वो ई हमारे एलिमेंट में से कोई सा भी हो सकता है। अब जो ओजोन है यानी कि O3 और सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, ये गैसेज होती हैं, जबकि जो सेलेनियम डाइऑक्साइड होता है SeO2, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है हमारे डाइऑक्साइड की, वो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे यानी कि SO2 से TeO2 तक जाएंगे, कम होती जाएगी। SO2 जो है वो रिड्यूसिंग रहती है, जबकि जो TeO2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। अब EO2 टाइप के अलावा सल्फर, सेलेनियम और टेलूरियम जो हैं, ये तीनों EO3 टाइप की ऑक्साइड्स भी बनाती हैं, जैसे SO3, SeO3 और TeO3। और ये दोनों टाइप की जो ऑक्साइड्स हैं हमारी, यानी कि EO2 और EO3, दोनों ही एसिडिक रहती हैं नेचर में। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दी हेलोजेंस। अब जो एलिमेंट्स है ग्रुप 16 के, वो बहुत सारी हेलाइड्स बनाते हैं। और कौन कौन सी टाइप की? EX6, EX4, EX2, जहाँ पे E तो हमारे एलिमेंट्स हो गए और X जो है वो हेलोजन हो गया। अब जो स्टेबिलिटी है हेलाइड्स की, वो डिक्रीज करती है, सबसे ज़्यादा एफ माइनस की होती है, फिर सी एल माइनस की, फिर बी आर माइनस की और फिर आई माइनस की। अगर हम हेक्सा हेलाइड्स की बात करें यानी कि EX6 की, तो इसमें जो हेक्सा फ्लोराइड्स हैं वो सिर्फ स्टेबल हेलाइड्स रहती हैं। यानी कि जैसे सपोज करो SF6 ले लिया हमने, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहती है, यानी कि फ्लोरीन के साथ बनी हुई, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाली स्टेबल नहीं रहती है। अब जितने भी हमारी हेक्साफ्लोराइड्स हैं वो गैशियस होती हैं नेचर में और उनका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब जो सल्फर हेक्साक्लोराइड है हमारा SF6, वो एक्सेप्शनली स्टेबल रहता है स्टेरिक रीजंस की वजह से। हो गया क्लियर। अब टेट्राफ्लोराइड्स की अगर हम बात करें यानी कि EX4, तो इसमें SF4 जो है वो गैस होगी, SeF4 लिक्विड होगी और TeF4 सॉलिड होगी। ये फ्लोराइड्स जो हैं इनमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता है, जिसमें जो इक्विटोरियल पोजीशंस होती हैं सारी, उनमें से एक इक्विटोरियल पोजीशन जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करके रखता है। इस ज्योमेट्री को हम सीसॉ ज्योमेट्री भी बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन को छोड़ के, वो डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स बनाते हैं। ये जो डाइहेलाइड्स हैं ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बनती हैं, इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होता है। नाउ दी वेल नोन मोनोहेलाइड्स आर डाइमेरिक इन नेचर। अब जो हमारी मोनोहेलाइड्स हमें पता हैं, जो वेल नोन मोनोहेलाइड्स हैं, वो नेचर में डाइमेरिक होती हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लो S2F2, S2Cl2, Se2Cl2 और Se2Br2। ये जो डाइमेरिक हेलाइड्स हैं इनमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। कैसे? जैसे सपोज करो हमने Se2Cl2 ले लिया, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होके हमें SeCl4 प्लस 3Se देगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। तो ये थे हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स।
सो मैं होप करती हूँ कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में जैसे हमने ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स पढ़े थे, उसी तरीके से हम इसमें भी करने वाले हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट, ठीक है? सो गाइज, लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हो। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और उसी के साथ 11th और 12th की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अभी तक आपने जो भी चैप्टर्स नहीं देखे हैं उन्हें आप उन प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।